माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट व्लॉग्स। तो धर्मशाला को कर देते हैं बाय बाय, और आज हम जाएंगे बहुत ही बढ़िया जगह पे जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। उस जगह का नाम है भानगढ़ फोर्ट। तो मैंने कभी नहीं देखी, तो मैं पहली बार देखूँगा। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि थोड़ी सी डरावनी भी है। के लिए कि नहीं जाना, जाओ ना, घूम जाओ, अब में जाओ, आराम से जाओ। शाम हो जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत रात जिंद का बसेरा है। जिंद का बसेरा है, जिंद भूत, जिंद भूत। अच्छा, वो सब रात के वहाँ विश्राम करता है, होता वो 5 बजे होता हुआ, वो सब अपना अपना जगह पर चले जाते हैं। जाएंगे बाइक पे बैठ के भानगढ़ किला। जीप की सवारी तो होगी, 1.5 किलोमीटर तो वैसे ही करनी पड़ेगी। तो ये रहा भानगढ़ फोर्ट, और यहाँ से इसकी एंट्री है। और अभी चलते हैं अंदर, और बता रहे हैं 25 रुपए की टिकट के एंट्री भी है, तो पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। ये रहा टिकट काउंटर, और यहाँ पे ये भी है, स्कैन करके पे कर दो और लंबी लाइन से बचो। तो ये रही टिकट, और अब यहाँ जा शुरू हो गया है रास्ता, और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रास्ता लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक जाना है अभी तो। अंदर किला तो बहुत दूर है, इसे इसको पुराना जयपुर भी कहा जाता है, और ये शहर होता था पूरा, अब तो खंडर हो चुका है यहाँ पे सारा। हम रख दिया भानगढ़ फोर्ट, अच्छा करो हमें दिखाया था वैसा ही बना हुआ, सेम सेम सा, जैसे ये आंगन हो गया, वो अंदर रसोई, फिर उसके अंदर कमरा, सेम टू सेम लग रहा है सब, मतलब पुराने टाइम में ऐसे ही बनते थे। वैसे रात को, मतलब अभी किसी से पूछा था बाहर, वो बोले जानवरों का ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें तो अभी गायें दिख रही है, वो बैठी है सामने, हो रही गाय वगैरह बैठी है। तो वैसे रात को यहाँ पे आने की हिम्मत पता ही नहीं कौन कर सकता है, मुझे तो बहुत डर लगता है, अंधेरे से ही डर लगता है, यहाँ पे आऊँगा तो मर ही जाऊँगा मैं, तो 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है रात को, तो इतना अंधेरा हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा। एंट्रेंस जहाँ से किला शुरू हो जाएगा, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं पानी की सेवा। ऊपर चलते हैं, वैसे चलते चलते थक गए, तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं मनोज और मैं। और अभी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को, मतलब ये भी किला है ये वाला, और वहाँ पे जहाँ पे भी देखो किला ही किला बना हुआ है। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, गुजरी महल से तो ज़्यादा ही बड़ी जगह है, तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में। किंगडम जैसा लग रहा है पूरा, किंगडम एकदम कुछ बढ़िया सा, बाकी कुछ खास है नहीं देखने को, बाकी फिर भी देखते चलते हैं। तो अभी पहले वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ जाके। तो वैसे ये तो मंदिर है पुराने टाइम का, सोमेश्वर टेम्पल, तो चलते हैं अंदर, बड़ा ही पुराना मंदिर है, सारी दीवारें टूटी हुई है। ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे पहले मूर्तियां होती होंगी, और अब मूर्तियां नहीं है यहाँ पे, और चलते हैं बस यहाँ से कभी। जो किले में जा रहे हैं वहाँ पे भी पानी की सेवा है, तो शुरू में पानी पिलाते हैं, मतलब जिसको पीना पी सकता है। तो अभी चलते हैं किले के अंदर। यहाँ पर ये खड़ी चढ़ाई है बहुत ज्यादा, पसीने आ चुके हैं बहुत, चढ़ते हैं अभी, बहुत टाइम लगेगा। ये शुरू हो गया किला, ओहो बड़ा है, काफी बड़ा है। मनु जो मेरे साथ आया तो है, तो वहीं रुक गया पीछे, वो कह रहा है कुछ नहीं है यहाँ पे, बोरिंग है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं,
आप लोगों को तो दिखा देता हूँ इधर की कैसा है। चलो देखते हैं अंदर से। ये सारा है यार अंदर से, क्या दिखाऊं मैं इसका, समझ में नहीं आ रहा भैया। पुराने किले और जैसा गुजरी महल है वैसे ही पत्थर लगे हैं इसमें पुराने टाइम के। ये है भानगढ़ फोर्ट आपका, ये रहा। हाँ बस ये थोड़ा सा बड़ा है और पहाड़ी इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पे स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, पसीने से गिले हो चुके हैं पहली बात तो, गर्मी बहुत है। तो अभी और कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे देखते हैं, बाहर से दिखा देंगे। वो एक और किला रहा, वो इतनी दूर, वहाँ पे भी यही कुछ, यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं यार, यहाँ से बहुत गर्मी है यहाँ पे और इतनी कुछ खास वाली बात नहीं है यार, अंदर स्मेल इतनी आ रही है। और अभी चलते हैं यहाँ से बस। भाई रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। बहुत 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 अजीब सी जगह है, रात को आना बहुत डेंजरस है यहाँ पे, रात को आने वाला काम अलग है थोड़ा। तो जो रात को आ सकता है, वैसे तो रात को आने ही नहीं देंगे क्योंकि रास्ते वगैरह सब बंद कर देते हैं, और जो यहाँ पे होता है उसको भी 5 बजे लास्ट टाइम है 5 बजे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं कि भैया अपने अपने घर जाओ, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डेंजरस, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। और ये यहाँ पे गुफा बनी हुई है, पता नहीं क्या देख रहे हैं ये भाई। और क्या है भाई यहाँ पे भाई, अंदर अंधेरा है यार। चले चले। तो ये रहा सारा भानगढ़ फोर्ट, वो भी एक मंदिर है और वहाँ वाले मंदिर में हम जा ही आए थे। और अभी घर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है यार, दीवारें बनी हुई है पुराने टाइम की बस, मंदिर है ना। तो यहाँ पे भी हम मंदिर तो गए नहीं, बाहर से ही देख लो यार, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ये यहाँ के जंगल, और वैसे है हमें तो कुछ खास ज़्यादा जगह लगी नहीं, बट हमें एक यहाँ पे भाई मिला, और मतलब ऐसा गाइड है ये, तो ये हमको बताएगा कि यहाँ की क्या स्टोरी है या हिस्ट्री है, जो भी है ये हमको बताएगा। तो भाई शुरू करते हैं। तो ये भाई है, आपका नाम क्या है भाई? हमारा नाम विशाल सैनी है। विशाल सैनी है, तो कहाँ पे रहते हो आप? गोला का बाग गाँव है उसमें। ठीक है, अब आप स्टोरी बताओ हमको कि यहाँ की खासियत क्या थी। हाँ जी, यहाँ की खासियत थोड़ा जोर से बोलो। यहाँ की खासियत ये थी कि ये पूरा, आप आए हो ना हनुमान गेट पे, पूरा बाजार था पहले। अच्छा, चोरी मार्केट नाम से बुलाते थे इसे, है ना वो बकरी। हाँ जी, उसमें तांत्रिक रहता था आगे, और जल्दी जल्दी बताओ। और उस किले में राजा और रानी रहते थे। ठीक है, जो अंदर किला है। हाँ। उसमें राजा और रानी रहते थे, राजा का नाम था माधव सिंह, रानी का नाम था रत्नावती, और उनके छोटे भाई भी थे मान सिंह। एक दिन क्या हुआ, वो रानी, वो तांत्रिक है ना, उसको पसंद करता था, तांत्रिक उसको माधव की वाइफ को पसंद करता था। उसकी वाइफ को पसंद करता था, इसलिए एक दिन रानी के स्विमिंग पूल में नहा रही थी वो रानी, इसलिए उसको उसको पसंद आ गई, जब मैं आज ही लेकर आऊंगा इसको। अच्छा, फिर वो उसने सोचा कि ऐसा क्या कमाल करूं जो ये रानी मेरी हो जाए, इसलिए उसने एक इत्र को गायब कर दिया, वो भी जब काला जादू जानता था। इत्र कौन होता? तेल होता है ना, तेल। अच्छा अच्छा, उसको गायब कर दिया और उसने सोचा कि रानी जरूर जाएगी बाजार लेने। अच्छा, तेल को लेने बाजार जरूर जाएगी। फिर उसने ऐसा ही हुआ, बस उसने रानी ने उसको बाजार में भेजा तेल लेने, और तेल लेकर आई तो उसने पूछा कि बताइए इसको कौन देखा था। 2 बार तो उसने मना कर दिया, और 3 बार में बोल दिया कि उसने तांत्रिक ने देखा था। वो समझ गई, वो भी सोमेश्वर जी का मंदिर है ना उधर कोने में, कुंड वगैरह है वहाँ पर, सोमेश्वर जी का मंदिर है वहाँ, उसको वो भी पूजा करती थी। अच्छा, तो वो समझ गई। उसने फिर ये बोतल थी ना, वो तेल की बोतल थी ना, उसको बड़ी बड़ी शिला पर फेंकी, बाहर किले से बाहर फेंकी, और वो झट से ऊपर चली गई शिला, और जाकर उसके सीने पर लगी और वो मर गया। अच्छा, तो जाते, मर गया। हाँ जी, जाते जाते श्राप दे गया कि जाओ एक रात और एक दिन में पूरा भानगढ़ खंडर हो जाएगा। अच्छा, तो ये खंडर हो गया। हाँ, राजा रानी मर गए। हाँ जी, रानी का मंदिर भी है ऊपर, सबसे ऊपर है। हाँ जी, किले में है, किले में, किले में। हाँ जी, ऊपर
तो अभी इस भाई ने बताया कि रानी थी और वो तांत्रिक उस रानी को पसंद करता था। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी करके। उस रानी को पसंद करता था और उसने उसका सेंट वगैरह गायब कर दिया ताकि वो रानी मार्केट जा सके, और फिर वो मार्केट गई लेने, तो वो रानी इत्र लेने गई और वो शिव जी की भक्त थी तो उसको समझ आ गया था कि तांत्रिक ने कुछ जादू वगैरह किया है और उसका इत्र गायब किया है। तो वो बाजार से वापस आई और उसने वो इत्र की बॉटल पत्थर पे फेंक के मारी और वो पत्थर सीधा तांत्रिक की छाती पे जाकर लगा और वो तांत्रिक मर गया। और मरते मरते उसने श्राप दिया कि यह सारा का सारा भानगढ़ एक रात में और एक दिन में खंडर बन जाएगा। तो वही हुआ और ये दिख रहा है अभी आपको कि क्या कुछ हालात है यहाँ के। तो भाई थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है, मिलते हैं। मिलेंगे तो क्या यार, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी एक भाई और मिला है यहाँ पे, हेलो कर दे भाई सबको। तो इस भाई ने बताया हमको कि यहाँ पे मतलब ऐसा रात का सीन तो है, मतलब अंधेरा तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लाइट तो है नहीं। तो जिसको डर लगता है उसके लिए तो भूत है, जिसको डर नहीं लगता उसके लिए यहाँ पे कोई भूत नहीं है। क्योंकि ये भाई बता रहा है जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले आए थे और वो मतलब दो जने आए थे, कैमरा वगैरह से रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे। तो एक जने की तो यहाँ पे डर के मारे ही मौत हो गई थी और जो दूसरा है वो अब तक कोमा में है। तो रात को आने का तो यार कोई तुक भी नहीं बनता यहाँ पे। तो स्टेशन की तरफ चलते हैं हमारा। तो चल भाई, चले मनुज। ठीक है भाई, थैंक यू। जाएगी तो अब कल सुबह मिलते हैं। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।